राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का 18 मार्च से यूपी दौरा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय दौरा होगा। 18 मार्च से यूपी का दौरा, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी का दौरा करेंगे कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। 3 दिवसीय उनका दौरा होगा। प्रयागराज वो जाएंगे, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। प्रयागराज से प्रियंका शुरू करेंगी प्रचार प्रसार। शुरुआत जो होगी वो प्रयागराज से होगी, शुरुआत प्रयागराज से, उसके बाद धीरे धीरे भदोही, फिर मिर्जापुर और फिर वाराणसी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। धार्मिक यात्रा और चुनाव यात्रा दोनों ही एक साथ करेंगी प्रियंका। लगातार उनका दौरा रद्द हो रहा था, लेकिन अब ये खबर कि 18 मार्च से वो दौरे पर निकलेंगी। सबसे पहले शुरुआत होगी प्रयागराज से, उसके बाद भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी वो जाएंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का धार्मिक और चुनाव को लेकर जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है 18 मार्च से यूपी का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस की महासचिव, पूर्वी यूपी की प्रभारी भी है प्रियंका गांधी वाड्रा, जो 18 मार्च को दौरे पर निकलेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 18 मार्च से यूपी के दौरे पर निकलेंगी प्रियंका गांधी। यह एक लंबे समय बाद फिर से वापसी हो रही है, वो पहुंचेंगी 17 मार्च को यहाँ पर पार्टी के लोगों से मुलाकात करने के बाद 18 तारीख से जो उनका दौरा है वो शुरू होगा। ज्यादातर वो सड़क मार्ग और वाटरवेज यानी स्टीमर के जरिए इलाहाबाद से वाराणसी तक का सफर तय करेंगे। इलाहाबाद से भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी, और इस वाटरवेज यानी पानी के रास्ते जो ट्रेवल करेंगी वो स्टीमर के जरिए। घाटों पर रिसेप्शन भी होगा, लोगों से मुलाकात करेंगी, जनसंवाद करेंगी, मंदिरों में भी उनके जाने का कार्यक्रम है और अलग अलग वर्गों के साथ उनकी बातचीत का कार्यक्रम तय किया गया है इन सभी जिलों में। साथ ही साथ पद यात्रा भी रखी गई है। तो इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी की जो कांग्रेस कमेटी है उसको ये पूरे जिम्मा दिया गया, पूरा दायित्व दिया गया है। इलाके चुनावी यात्रा के साथ ही धार्मिक यात्रा पर भी निकलेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। यह बिल्कुल, जो ये रूट मैंने बताया है इलाहाबाद से लेकर के वाराणसी तक, इसमें तमाम ऐसे बहुत ही प्रचलित मंदिर हैं जहां पर लोग जाते रहते हैं। बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगी प्रियंका गांधी वाराणसी में जब उनका कार्यक्रम समाप्त होगा। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल यात्रा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए इसको सॉफ्ट हिंदुत्व से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले वक्त में बीजेपी इस पर जरूर सवाल करेगी। बिल्कुल अभिषेक, चुनाव के करीब आते आते कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व सामने आ ही जाता है। राहुल गांधी को कई मर्तबा हम देख चुके हैं, वो कमान प्रियंका गांधी ने थाम ली है। यह बिल्कुल, अब प्रियंका गांधी क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली हुई है, तो ऐसे में वो पॉलिटिकली बहुत साउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको पता है कि एक बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जिनको वो टारगेट कर रही है, जिनके बीच में उनको रहना है, उन तक पहुंचना है, तो वो रास्ता कहीं ना कहीं मंदिरों के पास से होके जरूर गुजरता है। और ये बात उनको पता है, आप उनके कार्यक्रम को देखिए कि किस तरीके से इलाहाबाद से शुरू होकर वाराणसी तक उनको जाना है और जगह जगह पर दर्शन, पूजन, पद यात्रा, लोगों से मुलाकात का संवाद और बड़े प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है जहाँ पर उनको जाना है। ठीक है अभिषेक, ठीक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और